आइए दोस्तों, हम पहले आपको चारों भुजाओं को दिखा देते हैं, जूनिस सीपीयू को मतलब चारों बगल से मैं इसको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, यह अभी अनबॉक्सिंग नहीं हुआ है, यानी दोस्तों खोला नहीं गया है। दोस्तों दोस्तों अभी अभी नया ये प्रोडक्ट है दोस्तों, जो कि फ्लिपकार्ट वालों ने ला कर दिया है। चलिए दोस्तों, मैं इसे ओपन करते हैं। चलिए दोस्तों, ओपन करके हम आपको निकाल कर इसका अंदर का प्रोडक्ट दिखाते हैं, उससे पहले मैं इसको आपको परिचित करा दें। दोस्तों जूनिस का 2 Core Duo है दोस्तों। दोस्तों इसमें 4 GB रैम है और 320 GB हार्ड डिस्क यानी स्टोरेज है दोस्तों, जिसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। दोस्तों यह जूनिस का 2 Core Duo है। चलिए दोस्तों, मैं इसको काटते हैं। चलिए दोस्तों, इसको हम काट दिए। देखिए दोस्तों, अब ऊपर से काका ही रखा गया है, ऊपर से कोट वगैरह कुछ करके रखा गया है, ताकि यह सेफ रहे और गिरे भी तो फूटे नहीं, इसके अंदर जख्म ना आए और इसके अंदर कोई त्रुटि ना हो। इसलिए इसके अंदर और साइड साइड में पूरा थर्माकोल और देख रहे हैं कोट लगा कर भेजा गया है। इसके अंदर भी दोस्तों एक डब्बा है, डब्बा के अंदर जो कि आपका CPU है। जो देखिए दोस्तों, इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ साइड साइड में जो कि रखा गया था कूट वगैरह, ताकि आपका जो CPU है डैमेज ना हो, गिरे तो फूटे ना। जी हाँ, चलिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है। अब हम इसको देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, या सिर्फ ऐसा ही कूट वगैरह है। चलिए दोस्तों, हम इसको अलग कर देते हैं। दोस्तों इसमें कुछ नहीं है, अब इसको हम अलग करके अब जूनिस MICRO माइक्रो ATX CASE केस, इसको हम दोस्तों अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों जूनिस का लोगो देख लीजिए। चलिए दोस्तों, यह है हाथ से पकड़ के मतलब रिसीव करने यानी उठाने वाला। दोस्तों ये दोनों बगल दिया है। दोस्तों मॉडल नंबर है MA11। दोस्तों देखिए, जूनिस का लोगो है, जूनिस CPU माइक्रो ATX केस है दोस्तों, जूनिस का यही लोगो है। चलिए दोस्तों, अब हम इसको बगल साइड से दिखाते हैं। दोस्तों देखिए, ये जो वाइट कलर का है, इसमें कुछ नंबर वगैरह लिखा गया है, जो कि हम लोगों को समझ नहीं आएगा, वह फ्लिपकार्ट वाले ने कुछ करके लिखा है। दोस्तों इसमें लिखा है 320, ऐसे लगता है जिसे 320 GB हार्ड डिस्क है वहीं लिखा गया है। दोस्तों यह मॉडल नंबर है, यानी MA11 है दोस्तों मॉडल नंबर। दोस्तों हम आपको बता दें, कुछ इसमें दिया गया है इसके विस्तार से, मतलब मेड इन चाइना का माल है दोस्तों, यानी दोस्तों चाइना का CPU है, मेड इन चाइना को दिखा दिया। अब इसको मैं खोल के दिखाऊंगा। जी हाँ, अब इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों, ओपन नहीं है, अब मैं इसको ओपन करूंगा। चलिए दोस्तों, मैं इसको ओपन करता हूँ। दोस्तों यह भी ओपन हो गया। दोस्तों ओपन होने के बाद मैं इसके अंदर क्या क्या है सब आपको दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप भी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद लीजिएगा। दोस्तों यदि आप भी जूनिस का CPU खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके यह दोस्तों तार है, मतलब वायर है। देखिए दोस्तों, कितना सॉफ्ट वायर है दोस्तों, तार है जी, उसको साइड में रख दें। दोस्तों इसको हम पहले निकाल के आपको दिखाएंगे। जी हाँ, तो आइए मैं इसको निकालता हूँ। दोस्तों कुछ अजीब हम निकाल रहे हैं, निकालने का स्टाइल कुछ अलग है मेरा। देखिए दोस्तों, हाँ, जो कि मैं आप ही लोगों से सीखा हूँ। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है, एक थर्माकोल है जो कि टूटा हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं अब इस डिब्बे को मतलब साइड में रख देता हूँ, इसमें अब कुछ नहीं बचा। दोस्तों देखिए, साइड साइड में थर्माकोल लगा के भेजा गया है, जो कि त्रुटि ना हो, टूटे ना। जी हाँ, अब इसके अंदर क्या है, प्लास्टिक के अंदर मेरा CPU है। आपको वायर को पहले दिखा ले, वायर कितना बड़ा है, कैसा क्या है। चलिए दोस्तों, मैं उसको पहले वायर को दिखाते हैं कि मैं यही वायर को बोर्ड में मतलब कनेक्शन देकर CPU में कनेक्शन दिया जाता है। देखिए दोस्तों, साफ न्यू अभिसेप्ट है और इसको बांध के लाया गया था। देखिए दोस्तों, यह एक हाथ डेढ़ हाथ का वायर है। तो अब हम आपको बता दें, इस CPU को मतलब खोल के दिखाने से पहले देखिए, इसमें एक CD था। जी हाँ, एक CD था, एक CD ड्राइवर था दोस्तों, यह CD है। जी हाँ, थोड़ा साफ कैमरा नहीं दिखाई दे रहा है बहुत, लेकिन बहुत न्यू है, इसमें कोई स्क्रैच नहीं आया है, प्लास्टिक में करके रखा गया है। चलिए दोस्तों, यह CD है। चलिए दोस्तों, अब हम CD को हटाएंगे साइड में, अब हम दिखाएंगे आपको आपका CPU। जी, अब प्लास्टिक यानी ऊपर के जो पन्नी है उसको हम हटाएंगे। जी हाँ, इसको हटाएंगे और देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया CPU है, जो कि जूनिस लिखा हुआ है। दोस्तों देखिए दोस्तों, यह जो है यह ऑफ ऑन, यह CD ड्राइवर है, इसमें देता नहीं है दोस्तों। यह है जो कि ऑफ ऑन बटन है, जो कि आपको सामने दिख रहा है। देखिए दोस्तों, इस छेद वगैरह दिया गया है और दोस्तों यह फैन दिया गया है सामने दिख रहा है, ताकि ज़्यादा उसमें का गर्मी से हीट ना हो। जी हाँ, देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, यह है ऑफ ऑन बटन और यह जो साइड में है उसमें दोस्तों हम डाटा केबल लगाते हैं, और जो पीछे है उसमें पीछे भी डाटा केबल लगाते हैं। उससे पहले आप यह देख लीजिए, पीछे का सॉफ्ट है, नरम है दोस्तों, कितना बढ़िया है न्यू। यह ऑफ ऑन बटन है जी हाँ, और यह रीसेट बटन है, और यह कुछ नहीं है। और यह है जो कि जो दो पिन ड्राइव लगाने वाला, और बीच में गोल जो दिख रहे हैं वह था दोस्तों एक ईयरफोन और एक माइक लगाने वाला। अब देखिए दोस्तों, इसमें आप लगा सकते हैं चार USB। जी हाँ, 4 USB का दिया गया, और यह फैन है जो कि मशीन को ठंडा रखे रख सके। और दोस्तों जो आप मेन छेद देख रहे हैं, इसी से मेन कनेक्शन किया जाता है वह वायर लगा के। चलिए दोस्तों, वायर लगा के हम नहीं दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।